क्या आप जानते हैं एक छोटा सा सीड जो दिखने में बहुत साधारण लगता है एक बड़ा सा ट्री बन सकता है। हाँ, एक विशाल और मजबूत पेड़ जो हमें छाया, फल और ऑक्सीजन देता है। सच, हर प्लांट की स्टोरी एक टाइनी सीड से स्टार्ट होती है। हर पेड़, हर पौधा एक छोटे से बीज से ही जन्म लेता है। ये सीड एक छोटे से वर्ल्ड जैसा होता है जिसमें एक नया जीवन छिपा होता है, जिसमें एक नया प्लांट सो रहा होता है। इसे कहते हैं सुषुप्तावस्था। यह अवस्था तब तक रहती है जब तक बीज को सही परिस्थितियां नहीं मिलती। यह सीड मिट्टी में ऐसे ही पड़ा रहता है जैसे किसी गहरी नींद में हो, जब तक उसे जागने के लिए सही चीजें नहीं मिलती। यह इंतजार करता है सही समय का, सही परिस्थितियों का। यूज चाहिए पानी, गर्मी और पोषक तत्व एंड समटाइम्स सनलाइट, सूरज की रोशनी जो उसे ऊर्जा देती है। व्हेन ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तो बीज में जीवन का संचार होने लगता है। देन सीड धीरे धीरे जागने लगता है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। यह एक मैजिकल प्रोसेस है, विच इज कॉल्ड अंकुरण कहते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है जो हमें जीवन की सुंदरता और शक्ति का एहसास कराता है। अंकुरण में सीड के अंदर से एक छोटी सी रूट निकलती है जो जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह रूट धीरे धीरे मिट्टी में अपनी जगह बनाती है और नीचे मिट्टी में जाती है। इसे मूलांकुर कहते हैं। यह मूलांकुर मिट्टी में गहराई तक जाती है ताकि प्लांट को स्थिरता और पोषण मिल सके। फिर ऊपर एक छोटा सा स्टेम निकलता है जिसे प्रांकुर कहते हैं। यह प्रांकुर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है जैसे कि वह आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। यह स्टेम सनलाइट ढूंढते हुए ऊपर बढ़ता है। सनलाइट प्लांट के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो उसे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाने में मदद करता है। धीरे धीरे यह छोटा सा प्लांट बढ़ने लगता है। यह ग्रोथ प्लांट के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां वह अपने आकार और संरचना में बदलाव लाता है। इसकी रूट्स मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स लेती है जो प्लांट के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यह प्रक्रिया प्लांट के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे प्लांट के लाइफ का ग्रोथ स्टेज कहते हैं जहां प्लांट अपनी रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स बढ़ाने में फोकस करता है। यह स्टेज प्लांट के भविष्य के विकास के लिए नींव रखता है। जहां प्लांट अपनी रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स बढ़ाने में फोकस करता है, यह प्रक्रिया प्लांट को एक मजबूत और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती है और उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर देती है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, वह सनलाइट, पानी और एयर से एनर्जी लेता है। यह एनर्जी उसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करती है जिससे वह अपना फूड बनाता है। इस एनर्जी से वह अपना फूड बनाता है और ग्रो करता रहता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। एक टाइम आता है जब प्लांट फ्लावर्स देने के लिए रेडी हो जाता है। यह स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह प्लांट के लाइफ साइकिल का एक नया चैप्टर शुरू करता है। यह प्लांट के लाइफ का एक इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इस स्टेज में प्लांट अपने सारे रिसोर्सेज को फ्लावर्स बनाने में यूज करता है। फ्लावर्स प्लांट के रिप्रोडक्शन पार्ट्स होते हैं जो न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यह फ्लावर्स ही हैं जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को इनेबल करते हैं। फ्लावर्स कब खिलेंगे, यह प्लांट के टाइप, टेम्परेचर एंड दिन कितना बड़ा है, इन सब पर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट स्प्रिंग में खिलते हैं जबकि कुछ ऑटम में। टेम्परेचर और डेलाइट के चेंजेस भी फ्लावरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेक्शन 4, अ न्यू जर्नी बिगिंस। फ्लावर्स खिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप है परागण। परागण के बिना नए प्लांट्स नहीं उग सकते। परागण मतलब एक फ्लावर के पॉलन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना। यह हवा, पानी, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। जब पॉलन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वे ओवरी तक जाते हैं जहां फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी सीड में बदलता है और उसके अराउंड फ्रूट बनने लगता है। सेक्शन 5, द सर्कल ऑफ लाइफ। जब सीड्स पूरी तरह रेडी हो जाते हैं तो उन्हें न्यू प्लेसेस में फैलाया जाता है ताकि न्यू प्लांट्स उग सके। इसे बीज प्रकीर्णन कहते हैं। सीड्स हवा, पानी, एनिमल्स या ह्यूमंस द्वारा फैलाए जा सकते हैं। यह नेचर का एक अमेजिंग साइकिल है जो यह श्योर करता है कि प्लांट्स हमेशा रहे। तो अगली बार जब आप कोई प्लांट देखें
तो उसके लाइफ के इस अमेजिंग जर्नी के बारे में सोचें।